आप भी अगर इस फील्ड में ऐसा काम करते होंगे और मौसम पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। हमने गुच्छुप को बना इस व्लॉग को देख रहे होगे ना। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है आज के इस नए व्लॉग में। तो दोस्तों आज है डेली लाइफ स्टाइल व्लॉग का हमारा चौथा दिन। तो दोस्तों व्लॉग को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। दोस्तों आज नाश्ते में बना है पोहा फले, ये है मेरा प्लेट और ये है मीठी का। तो मीठी बताओ नाश्ते के बारे में। ये हल्दी कम डाल गया दोस्तों, इसलिए ज्यादा पीला नहीं दिख रहा है। काबू कम डाले मासी का चक्कर में। तो अभी दोस्तों हम लोग फिर से आ गए अपने उस स्टूडियो में जहां मैं अपना वीडियो और आइडियोज को रिकॉर्ड करता हूं। तो फिलहाल ये है दोस्तों हमारे ओप्पो का फोन, सॉरी ये तो माइक का है। तो ये है दोस्तों हमारा बोया M1 का माइक, ठीक है, ये ट्राइपॉड है फिलहाल, अभी इसका काम नहीं है। और यहाँ पर स्क्रिप्ट देख सकते हैं दोस्तों, बहुत तगड़ा से स्क्रिप्ट लिखा हुआ है जो मैच हुआ उसका। तो अभी इसको हम लोग वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं, फिर इसको एडिट करके यूट्यूब में अपलोड करेंगे, जो एंशियन स्पोर्ट्स वाला जो यूट्यूब चैनल है ना उसमें। तो पहले दोस्तों इसको हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ आपको कैसे इस माइक को रिकॉर्ड करते हैं। तो दोस्तों ये है माइक बोया M1 का, इसका जो लीड है वो लग गया इसमें, ठीक है। और सामने जो स्क्रिप्ट कॉपी है यहाँ पर, तो मैं आपको बोल के दिखाता हूँ कैसे टाइप से मैं बोलता हूँ। तो WTC 2023-25 का फाइनल खेलने का ख्वाब देख रहे पाकिस्तानियों का घमंड टूट गया है। दोस्तों इस तरह के जो स्क्रिप्ट लिखा रहता है उसको अपने हिसाब से मैं ऐसे बोलता हूँ। और जो ऐप है जिसमें मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ उस ऐप का नाम है आइडियो लैब। यहाँ पर आपको उसका लोगो भी दिख रहा है, आइडियो लैब। इस ऐप में मैं रिकॉर्ड करता हूँ। दोस्तों इस ऐप में रिकॉर्ड करने से फायदा ये होता है कि जैसे बाहर के जो बहुत ज्यादा नॉइस आते रहते हैं ना, वो नॉइस उसमें पूरा लो हो जाता है, मतलब बाहर के जो नॉइस है ना वो ज्यादा पता नहीं चलता। तो आप भी अगर इस फील्ड में ऐसा काम करते होंगे तो आप भी उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, आइडियो लैब करके वो ऐप है। तो चलिए दोस्तों मैं अपना जो काम उसको कंप्लीट करता हूँ, फिर आगे का ब्लॉग आपको दिखाता हूँ। दोस्तों देख सकते हो मैं इतना टाइम से वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, और एक बच्ची है मीठी। हाँ ये दिन भर ऐसे ऐसे कर रही है, तो जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना वो उसके आवाज से खराब हो जा रहा है। तो एक तो डिब्बा था इसका जोड़ीदार, उसको फेंक मार दिया, उसको पड़ा नहीं, जान बुझ के उसको नहीं मारा। देख लो दोस्तों पड़ा भाची उसी में। तो दोस्तों यहाँ तक रिकॉर्डिंग हो गया है, अब यहाँ से रिकॉर्डिंग करना है। तो मीठी हल्ला मत करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं मौसम का थोड़ा अंदाज। तो दोस्तों जब से 1 सितंबर आया है दोस्तों, तब से ना अच्छे से बारिश हुई नहीं है, और धूप ऐसा कर रहा है जैसे गर्मी में करता है ना, गर्मी जब स्टार्ट होता है जितना धूप रहता है ना उतना ही धूप अभी भी कर रहा है। और देख लो मौसम भी मस्त खुला हुआ दिख रहा है, मौसम भी बढ़िया दिख रहा है, और बारिश होने का फिलहाल तो कोई चांस नहीं दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट लेसन देने जा रहा हूँ कि इंसान और मौसम पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कब बदल जाए कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों अभी मैं नहा लिया हूँ और आप देखते हैं भोजन वोजन करेंगे। तो मैं तो नहा लिया हूँ, बहुत लेट नहाया हूँ, शायद तक टाइम नहीं बताऊँगा नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। बहुत लेट नहाया हूँ, सही टाइम में नहीं नहाया हूँ, ठीक है। और अब मैं खाना खाने बैठ रहा हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं कि आज खाने में क्या बना है। तो दोस्तों यहाँ बना है चावल दाल, और ये है आलू टमाटर का चटनी। तो अब इसको हम लोग खाने वाले हैं, इधर पानी भी है। तो ठीक है दोस्तों हम लोग खाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे ढेलवाड़ी के पास में, एक ठो गाँव है जिसका नाम लखनपुर और ललमटिया ऐसा है, दोनों नाम से जानते हैं। तो वहाँ आज बुधवार को वहाँ बाजार लगता है, तो वहाँ हम लोग बाजार जा रहे हैं अभी। तो स्कूटी में ये स्कूटी इसमें जा पाया जा।
तो दोस्तों फाइनली अभी हम लोग बाजार पहुंच गए हैं। इधर टमाटर है, करेला है, यह लखनपुर का बाजार। इधर भांटा, बरबट्टी, धनिया ये सब है, और इधर है धनिया, मिर्ची, नींबू। तो यहाँ हम लोग धनिया मिर्ची खरीद रहे थे। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर गाय का लाटरी खुल गया है, इनको कहीं से मुर्रा मिल गया है। और दोस्तों हम अब यहाँ पर खाने वाले हैं लखनपुर बाजार का गुपचुप। तो ठीक है दोस्तों, तो एक गुपचुप हमको मिल गया, इसको हम लोग अब खाने वाले हैं। इसके बाद हमने गुपचुप को बना के खाया, तो ये भी मस्त है, इसका टेस्ट भी मस्त है। तो दोस्तों हम लोग भाई थे बाजार, और बाजार से साथ भाटा लेके आए थे, वही बना है। शायद एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या बना है, और आपको भी दिखाते हैं क्या बना है। जी हाँ दोस्तों, मैंने जो सुना था सही सुना था, भाटा का सब्जी बना है, भुंजी टाइप से बना है, ये भुंजी टाइप से भाटा का सब्जी बना है। इसको रख देते हैं, और ये तावा भी गर्म हो रहा है, इसमें जाएगा गर्म गर्म रोटी। और ये है रोटी का लोई, और ये यहाँ पर रोटी मस्त बिला रहा है, देख सकते हो आप लोग भी। दोस्तों अभी जो हम लोग रात्रि भोजन किए, मतलब खाना नहीं खाया, रोटी और सब्जी खाए, जो बन रहा था आज नाश्ता खाया ना, उसको मतलब इसमें हम लोग बता नहीं पाए। तो अभी हम लोग उस रोटी और सब्जी खा लिए, और अब मतलब पहले जो काम है वो हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा तो डेली करते हैं, खाते हैं, फिर ऐसे एक राउंड लगा के आते हैं जो भी कॉलोनी है वहाँ। लेकिन इसको ना कोई भी मतलब ब्लॉग में ऐड नहीं करता। आज मैं सोचा कि जब रात में जो खाना खा रहा था उसका ब्लॉग शूट करना भूल गया, तो मैं सोचा इसको ही ऐड कर दूँ। तो अभी बस ऐसे ही घूम रहे हैं, फिर देखते हैं जाके घर कुछ कुछ काम करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जिस टाइम आप इस ब्लॉग को देख रहे होगा ना, वो तारीख होगा 5 सितंबर, और 5 सितंबर से आगे भी हो सकता है। तो 5 सितंबर मतलब शिक्षक दिवस। दोस्तों इसके लिए मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं बहुत अच्छी। एक वीडियो बनाई थी 2 साल पहले, जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है यूट्यूब के अंदर। और दोस्तों एक मैंने बनाया है 2 सितंबर को, अपलोड किया है। दोस्तों दोनों वीडियो का जो पोस्टर है ना, वो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना। तो दोस्तों दोनों जो पोस्टर है वो दिख रहा है, और इस दोनों वीडियो का लिंक दोस्तों आपको कॉमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों तो आप दोनों ही सब वीडियो को जरूर देखेगा। दोस्तों यूट्यूब पर आप एंशिएंट मोटिवेशन लिख कर भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों वीडियो का लिंक नीचे है, आप उस दोनों वीडियो को जरूर से देखिएगा। और दोस्तों अब इस ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पर एंड। तो दोस्तों ब्लॉग कैसा लगा आपको, जब से कमेंट कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नेक्स्ट ब्लॉग पे बहुत जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय सियाराम।